वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फैशन स्टडी के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, महंगे कीमती वस्त्रों के डिजाइन की एकदम सही नकल को निम्न में से जाना जाता है। मास प्रोडक्शन, नॉक ऑफ, रेडी टू वियर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है नॉक ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फैशन डिजाइनर को निम्न नाम से जाना जाता है, फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन प्रोफेसर, अप्रैल डिजाइनर, फैशन टेक्नीशियन। तो फैशन डिजाइनर को अप्रैल डिजाइनर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन निम्न जगह स्थित है, पुणे, अहमदाबाद, दिल्ली, मुंबई। तो नेशनल इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? आपका अहमदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फैशन डिजाइनिंग के जरिए आसान हो सकी है, इंटरनेट, मतलब फैशन डिजाइनर किन के द्वारा आसान हो सकी है? इंटरनेट, कंप्यूटर, बोथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इंटरनेट और कंप्यूटर के जरिए दोनों इसमें सही आंसर होगा, बोथ, इसके जरिए आसान हुई है, इंटरनेट और कंप्यूटर दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर एडेड डिजाइन को निम्न नाम से जाना जाता है, कंप्यूटर असिस्टेड, कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग, कंप्यूटर ड्राफ्टिंग, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है कंप्यूटर असिस्टेड ड्राफ्टिंग। आपका सिक्स नंबर क्वेश्चन है, जो वस्त्र डिजाइनिंग का कार्य करने वाले व्यक्ति को कहते हैं, फैशन मर्चेंडाइजर, फैशन डिजाइनर, फैशन व्यवसायी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वस्त्र डिजाइनर का जो काम कहते हैं वो होते हैं फैशन डिजाइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैब्रिक एवं कल्पना का इंडिया मास्टर निम्न में से किसे कहा जाता है, रोहित बल, रितु बेरी, मनीष मल्होत्रा, राखी सिंघवी। तो रोहित बल इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न डिजाइनर को इंडियन फैशन के राजा के नाम से जाना जाता है, तरुण, तहिल्यानी, रितु कुमार, जे वलाया और मनीष मल्होत्रा। तो इसका सही आंसर है जे वलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्यक्ति को लंबा एवं पतला दर्शाने वाली लाइनें हैं, खड़ी लाइनें, हॉरिजॉन्टल लाइनें, दोनों प्रकार की लाइनें, आकार। तो इसका सही आंसर है खड़ी लाइनें। डिजाइनिंग या डिजाइन तत्वों का डिजाइन में एक से अधिक बार प्रयोग कहलाता है, पहला आवृत्ति, ग्रेडेशन, ट्रांजिशन, लय। तो इसका सही आंसर है आवृत्ति। इसका सही आंसर है आवृत्ति। आवृत्ति का मतलब रिपीटेशन से होता है, रिपीट करना किसी चीज़ को, बार बार रिपीट हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन सेकंड सेशनल के अंतर्गत पूछे गए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। 11 नंबर क्वेश्चन है, डिजाइन के मूल तत्व की सबसे छोटी इकाई है, लाइन, डॉट, कलर, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है डॉट। डॉट सबसे छोटी इकाई है। देखते हैं एलिमेंट ऑफ डिजाइन कौन कौन सी होती हैं। एलिमेंट ऑफ डिजाइन, इसमें आपका आता है डॉट, उसके बाद आती लाइन, फॉर्म, शेप, टेक्सचर, कलर। ये आपके एलिमेंट ऑफ डिजाइन हैं। इसमें सबसे छोटी जो
इकाई है डॉट होती है। डॉट मतलब ए वाला पॉइंट, ये सब डॉट है, ये सब डॉट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ड्रेस में सीधी लाइनें निम्न द्वारा पैदा की जाती हैं, प्लीट द्वारा, टक्स, डॉट और हेम्प द्वारा, बोथ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है बोथ। इसका जो सही आंसर है बोथ। जैसे लाइनें कितने प्रकार की होती हैं, लाइनों में एक स्ट्रेट लाइन होती है, लाइन में अगर हम देखें लाइन कितने प्रकार की होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन होती है, जिगजैग लाइन होती है, डायगोनल लाइन होती है, वेवी लाइन होती है, स्पाइरल होती है, स्पाइरल, डॉटेड, थिक लाइन होती है, थिन लाइन होती है और परपेंडिकुलर लाइन होती हैं। इतनी प्रकार की लाइनें होती हैं। जैसे जिगजैग लाइन इस टाइप की होती है और सीधी लाइनें जो होती हैं इस टाइप की होंगी। अगर इसे हम कहते मोटी लाइन है तो और इस टाइप की हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सीधी लाइनों की तुलना में कम औपचारिक लाइनें हैं, जिगजैग लाइन, तिरछी लाइन, मुड़ी हुई लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसका सही आंसर है मुड़ी हुई लाइनें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। सीधी लाइनों के साथ निम्न लाइनों को मिलाने पर फिगर लंबा प्रतीत होगा, जिगजैग लाइन, डायगोनल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन। तो इसका सही आंसर है डायगोनल लाइन। इसका जो सही आंसर है डायगोनल लाइन। डायगोनल लाइन इस टाइप से या इस टाइप से खींची जाएगी, ठीक। जैसे कोई शेप है उसमें इस टाइप की जो लाइन होगी वो डायगोनल होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। आवृत्त के निम्न परिमाप होते हैं, लंबाई एवं चौड़ाई, लंबाई एवं डेप्थ, लंबाई चौड़ाई एवं डेप्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है लंबाई चौड़ाई एवं गहराई या डेप्थ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजाइन बनाने के लिए मुख्य रूप से कितनी आकृति का सहारा लेना पड़ता है, तो डिजाइन बनाने के लिए हमें 5 आकृतियों का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद अगर हम प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन 5 होती हैं। पहला होता है हार्मोनी, दूसरा होता है आपका बैलेंस, तीसरा होता है आपका रिदम, चौथा होता है एम्फेसिस, पांचवा होता है आपका प्रोपोर्शन, ठीक है। यही 5 चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गारमेंट के शेप एवं साइज को निम्न द्वारा आंका जाता है, लाइन द्वारा, सिल्यूट द्वारा, डॉट द्वारा, बनावट द्वारा। इसका सही आंसर है सिल्यूट द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। डिजाइन में अनुरूपता को कहते हैं एकरूपता, संतुलन, लय, अनुपात। तो इसका सही आंसर है एकरूपता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्न को सममित संतुलन भी कहा जाता है, अनौपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन, रेडियल संतुलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है औपचारिक संतुलन, औपचारिक संतुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वस्त्रों में लय निम्न द्वारा प्राप्त की जा सकती है, आवृत्ति, ग्रेडेशन, ट्रांजिशन, लय। इसका सही आंसर है लय, इसका सही आंसर है
ले 4 पार्ट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।